हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि शेडिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस तरह से हम शेडिंग कर सकते हैं। तो वो वीडियो सिर्फ एक बेसिक वीडियो था, उसमें कुछ मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको शेडिंग कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है शेडिंग करते वक्त। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गेट रेडी विथ योर पेपर एंड पेंसिल्स। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए ऐसे वर्टिकल में, और एक हॉरिजॉन्टल में बनाइए, और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, आप जितने भी चाहे 7, 8 या कोई भी नंबर, क्योंकि इसमें हम शेडिंग के थ्रू एक बैंड बनाएंगे, डार्क टू लाइट जाएंगे, और इसमें भी हम टाइप्स ऑफ शेड्स करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके पास जो भी डार्क ग्रेड हो वो पेंसिल ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास 12B है, तो मैं इससे स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आपको आराम से शुरुआत करनी है। जितना हो सके उतना डार्क कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखना कि जिस भी डायरेक्शन में आप शेड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में थ्रू आउट द रेक्टेंगल करते रहिए। जैसे कि मैं अभी हॉरिजॉन्टल में कर रहा हूँ, तो मैं पूरे रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल ही जाऊँगा, ऐसा नहीं कि बीच में मैं ऐसे इसको वर्टिकली शुरू कर दूँगा, फिर इससे आपका शेडिंग ख़राब हो जाएगा और बीच में आपको लाइन्स भी दिखेंगी। Then I will go for 8B. आपको इसमें कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल के थ्रू करना है। Then I will go for 6B. Then go for 4B. Then 2B. पेंसिल को आप जितना ऊपर से होल्ड करेंगे उतना ही वो लाइट वर्क करेगा, और जितना नीचे से होल्ड करेंगे उतना ही वो डार्क वर्क करेगा। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा शेड चाहिए, कौन से कितना डार्क या कितना लाइट चाहिए, उस हिसाब से आपको पेंसिल को होल्ड करना है। Then go for H.
इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको यही सीखना है कि हमें पेंसिल को कितना कितना टाइटली या कितना लूजली होल्ड करना है कि हमें हमारा शेड मिले। देन आप लोग देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पे लाइंस हुई है, यहाँ पे गैप्स है, तो ये अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको हम अभी कंप्लीट करेंगे, फाइनल टच देंगे। ये कंप्लीट हो चुका है, पर आपको दिख रहा होगा कि बीच में कहीं पे डार्क स्पॉट्स हो गए, कहीं पे लाइंस हो गई है डार्क, तो ऐसा क्यों होता है? ये करते वक्त मैंने सोचा कि बीच में इसको मैं चेंज कर दूँ, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको कंप्लीट कर देते ताकि मैं आपको लास्ट में बताऊँ कि ऐसा क्यों होता है। ये सब डार्क स्पॉट्स का मतलब है कि आपका जो बैकग्राउंड है, जिसके पीछे जिसके ऊपर रख के आप ड्राइंग कर रहे हो, शेडिंग कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने ये एक बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका जो सरफेस है वो कहीं से, मतलब इस पे कुछ कचरा होगा या कुछ भी ऐसा डस्ट पार्टिकल्स होगा जिससे ये शेडिंग ख़राब हो सकती है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप जब भी शेडिंग करें या कलरिंग काम करें, कलर वर्क करें, तो आपका जो बैकग्राउंड है, बोर्ड है, वो आपका एकदम क्लियर हो। अभी हम इसमें करेंगे डिफरेंट शेड्स। इसमें मैंने पूरा मर्ज किया हुआ है, मतलब एक स्ट्रैप बनाया है, पर इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम डिफरेंट ही रखेंगे, इसमें हम मर्ज नहीं करने वाले। सो हियर वी गो विथ 12B। देन आई विल गो फॉर 8B, जो कि 12B से थोड़ा लाइट होगी। देन आई विल गो फॉर 6B। For 4B. Then I will go for 2B. Then I'll go for HB. Then last I will go for 2H. अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है आर्ट बाय प्रवीण, वहाँ पे मैं रेगुलरली न्यू आर्ट वर्क्स अपलोड करते रहता हूँ, तो यू कैन चेक इट आउट देयर।
अगर आपको इससे और भी लाइट शेड चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी लाइटर शेड की, लाइटर ग्रेड की पेंसिल हो तो, जैसे कि 3H, 4H, 5H, तो आई विल सजेस्ट दैट कि सारे बिगिनर्स को पहले ये चीज़ शेडिंग में प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। जब तक ये आपका परफेक्ट नहीं होगा तब तक आप शेडिंग नहीं कर पाएंगे, आगे अच्छे से शेडिंग नहीं कर पाएंगे। स्मूथ शेडिंग के लिए आपको ये सब आना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डू प्रैक्टिस दिस डेली। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस टॉपिक पे बेस्ड होगा कि पेंसिल्स किस टाइप की होती है, कौन से ग्रेड्स की होती है, और कैसे उसको यूज़ करते हैं। बाय, टेक केयर।